बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 14, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, दोनों का डिफरेंस है। और एक्चुअली कंसेप्चुअल के अंदर ही लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनिंग है। थोड़ा सा माइनर लेवल डिस्टेंस है, डिफरेंस है, इसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है RDM, रिलेशनल डेटा मॉडल, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें दो वजह से सिंप्लिसिटी है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकली फाउंडेशन है। देखते हैं जी इसको, डेटा मॉडल। अच्छा, ये हमारे पास एक टेबल है, तो ये RDM है, यानी कि रिलेशन कहते हैं टेबल को। इस डेटा मॉडल के अंदर या डेटाबेस के अंदर जो डेटा रखते हैं वो हम टेबल की फॉर्मेट में रखते हैं। टेबल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज और कॉलम्स। ये कॉलम्स हैं, ये रोज आ जाएगी। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स है, ईच सेल ऑफ अ टेबल कंटेन एटॉमिक सिंगल वैल्यू, इसको सेल कहते हैं, ये वाले, इसके अंदर सिंगल वैल्यू होगी। जो रो और कॉलम का एक खाना बनता है उसे सेल कहते हैं। एटॉमिक वैल्यू, एक वैल्यू इसके अंदर होगी, यूनिक वैल्यू। ईच कॉलम हैज़ अ डिस्टिंक्ट नेम, द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इट रिप्रेजेंट्स, के हर कॉलम का नेम होगा और वो यूनिक होगा। मतलब ये नहीं है STID आपने यहाँ पे भी बना लिया। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, बट पूरे टेबल के अंदर कॉलम्स नेम डिफरेंट होंगे। ये कॉलम्स नेम है, ये तो डाटा है, ये सेम हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। देखें, दो दफ़ा मेल आया, सब हर दफ़ा मेल ही हो तो, लेकिन ये कॉलम का नेम है, ये डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा। द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स कम फ्रॉम द सेम डोमेन। अच्छा, इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ये देखें इसके अंदर, और इस पूरे कॉलम के अंदर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ही होगी सबकी। और डोमेन क्या होगी कि डेट ऑफ बर्थ या हम स्टूडेंट रोल नंबर है, ID है, ये 001 से लेके 0010 तक हो, तो 0010 0010 के साथ, तो इसी रेंज के अंदर आएगा जो आपने रेंज रखी है, मतलब जो 3 डिजिट का रखा है इसके साथ, तो इसी रेंज के अंदर क्या होंगे, इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होगी। द ऑर्डर ऑफ द कॉलम इज इम मटीरियल, मतलब चेंज हो सकता है ऑर्डर, पहले आ जाए कोई चीज़, बाद में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। द रो ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रोज, रोज का भी मटेरियल है, कोई ज़रूरी नहीं है पहली रो ऊपर, ये ऊपर चले जाए, पूरी रो, पूरा डाटा उठेगा, नीचे आ सकता है, ऊपर चला जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह पूरा कॉलम, ये पहले आए, ये बाद में आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईच रो रिकॉर्ड इज डिस्टिंक्ट, नो टू रोज कैन बी सेम, मतलब पूरी की पूरी रो जो है, यहाँ उसे रिकॉर्ड जो है, ये टपल्स जो है, ये पूरे का पूरा दूसरे से डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा हर चीज़। वो तो फिर एक ही शख्स का डाटा हुआ, एक ही चीज़ से रेलिवेंट हुआ, कोई एक चीज़ डिफरेंट हो सकती है, वो आमतौर पर प्राइमरी की ही डिफरेंट होती है। नेम भी सेम हो सकता है दो लोगों का, क्लास भी सेम हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, जेंडर सेक्स भी सेम हो सकती है, बट कोई एक चीज़ तो डिफरेंट होगी जो उसे डिफरेंशिएट कर रही होगी। और नेक्स्ट है जी, टू रोज ऑफ कैन नॉट बी सेम, द वैल्यू ऑफ द, ठीक हो गया। देर आर कंपोनेंट ऑफ RDM, कॉन्स्ट्रक्ट, रिलेशन, मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जैसे SQL है। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशंस, कि अगर दो सेट्स हम कंसीडर कर रहे हैं, एक ये है A और B, ठीक है, मैथमेटिकल, यानी कि ये सपोज करें ये टेबल ही है, रिलेशंस भी इसी के ऊपर ही काम करेंगे। अगर हमारे पास ये दो सेट हैं A और ये B के अंदर डाटा है, तो A क्रॉस B, या इसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, कार्टीजियन प्रोडक्ट, ठीक है, कि इसका हर एलिमेंट X2 के साथ भी आएगा, X4 के साथ, X6 के साथ, X2, X4, ठीक है, X2, X4, ये देखें, X6, Y2, Y4, Y6, तो इसके सबसेट भी बन जाएंगे इस तरह। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल नेम है, ये एज है, ये डाटा आ रहा है, ये नेम अली है, सना है, अहमद है, और ये उनकी एजेस आ गई, तो इनको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, कि अली 15, सना 15, यानी कि पहला
नेम, फिर एज, नेम एज, ये उस टेबल को लिखने का मेथड है ये क्लास। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी कार्टिजियन प्रोडक्ट किस तरह होगी, अली 18, सना फिर 17, ये इस तरह कह लेंगे ना, चीज़ें आ जाएगी। अब डेटाबेस रिलेशन की बात होगी कि डेटाबेस के अंदर जो रिलेशंस टेबल होंगे उस टेबल्स को ऐसे भी लिखा जाएगा, जैसे ये टेबल का नाम, ये देखिए ये टेबल का नाम, ये ब्रैकेट के अंदर ये कॉलम का नाम, ये उसकी वैल्यू, ये कॉलम का नाम वैल्यू, कॉलम का नाम वैल्यू। जैसे एग्जांपल दिया एसटीडी, टेबल का नाम एसटीडी, एसटी नेम, एसटी एड्रेस, डीओबी, ये क्या चीज़ें हैं, ये टेबल है बगैर वैल्यूज के साथ। अब ये टेबल कॉलम वैल्यू, कॉलम वैल्यू, कॉलम नेम और ये वैल्यू, ये भी कॉलम नेम, ये वैल्यूज, कॉमे के साथ दूसरी एंट्री, ये दूसरी सारी एंट्री, कॉलम वैल्यू जिसकी नई वैल्यू देनी उस वहाँ सिंपल कॉमा भी आ जाएगा, और ये तीसरी वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। और इसको इस तरह भी बनाया जा सकता है, ये ऊपर कॉलम्स नेम आ गए, नीचे वाला आप देखें वही डाटा है जो ऊपर दिया हुआ है।